क्या हुआ बनू, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों डर रहा है तू? गुनी देखो कौन आया है। बनी, बनू की सूरत से स्टार्ट हो रहा है आज का व्लॉग। बनी की प्यारी सी सूरत, प्यारी सी सूरत, देखो जरा। बनी इज़ फीलिंग बेटर नाउ, बनी इज़ बेटर नाउ, है ना। आज बनी दोबारा से जा रहा है वेट के पास। सो हे गाइस, की हाल चाल, सारू सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू द चैनल हरप्रीत SDC। अभी गुनीत गाइस रेडी नहीं थी, अब गुनीत मेरे साथ आई नहीं आज। गुनीत बोल रही है आप होके आ जाओ, फिर मैं मिलूंगी अपने सब्सक्राइबर से, अपनी यूट्यूब फैमिली से। तो अभी मैं आने के बाद गुनीत से आपको मिलाऊंगा। आज बहुत सारे काम है गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले ब्लॉग में, ब्लॉग 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 करके बहुत ज़्यादा काम इकट्ठे हो गए हैं। गाड़ी करवानी है मुझे, गाड़ी को मतलब गाड़ी में तो सारा ही काम कराना है, A to Z, गाड़ी को एकदम से नया बनाना है समझ लो। नए गाड़ी अभी लेने का मूड नहीं है, पहले सोच रहे थे हम नई गाड़ी लें, लेकिन अभी थोड़ा टाइम और रुकना पड़ेगा, तो गाड़ी अभी नई नहीं ले सकते। तो इसी गाड़ी को काफ़ी सारा काम करवाना है, इसमें कराना है। और अभी हम जा रहे हैं बनी को लेके वेट के पास, क्योंकि बनी का आज 4th डे है। बनी इज़ फीलिंग बेटर नाउ, खेल रहा है, सब कुछ खा भी रहा है, कम खा रहा है, और मैं इसको कम ही दे रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा देना सही नहीं है। तो कम, वैसे भी ये कम ही खाता है आजकल, पता नहीं क्यों इतना, बहुत ज़्यादा चूज़ी है गाइज। इसने मतलब सिलेक्टेड फूड ही खाना है, जो इसको लगता है कभी वो फूड खाएगा और नेक्स्ट डे वही फूड नहीं खाएगा, ऐसे करता है ये, बहुत ज़्यादा हुआ है। तो गाइज अगर आप लोग भी डॉग रखने की सोच रहे हो तो ये सब चीज़ें देख लो, आपको वैक्सीनेशन, डॉग वेट के पास, डॉग की कभी तबीयत ख़राब हो जाती है उसको लेके जाना पड़ता है, आपको पूरा साथ देना पड़ता है डॉग का, और डॉग को अपने बच्चों की तरह रखना पड़ता है। तो बच्चों के कहने पे डॉग घर पे लेके आके ऐसा नहीं ले आया यार, नहीं यार अपने वाला जा रहा है वापस कर दिया, ऐसे नहीं करना, बहुत सारे काम होते हैं इनके, तो सोच समझ के रखना है। और लेकिन अगर रखते हो तो ये बहुत प्यारे होते हैं, आपको प्यार करना सिखाते हैं, और ये देखो फिर ये आपके बच्चे बन जाते हैं, और ये इतने प्यारे होते हैं, इतने प्यारे होते हैं कि इनके बिना आप रह नहीं पाओगे फिर। देखो मेरा प्यारा बच्चा। तो चलो गाइस बनी को लेके चलते हैं वेट के पास, और 4th डे आज बनी का, जैसे मैंने बताया आपको, तो मे बी कल, और हमने डॉग पार्टी पे भी जाना है, और मुझे आज वो भी पूछना है कि मैं इसको डॉग पार्टी पे लेके जा सकता हूँ या नहीं लेके जा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ जाएगा तो ये थक जाएगा, और तो वो भी पूछना है। और 4th डे है, हो सकता है आज लास्ट डे हो इसका लेके जाने का, कल से इसको लेके जाने की ज़रूरत ना पड़े, फिर इसकी मेडिसिन वगैरह चलेंगी। तो बनी इस बेटर ना हो, मैंने कहा आप लोगों को अपडेट दे दूँगा। काफ़ी लोग कमेंट्स कर करके बता रहे थे बनी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए, थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यार देने के लिए, बनी को इतनी विशेस करने के लिए, थैंक यू सो मच। सो चलो चलते हैं, बनी रेडी, चलो चलो चलो। डर जाता है गाड़ी में बैठ के, क्या हो गया, डर क्यों जाता है, आराम से बैठ जा, डर क्यों जाता है, क्या हो गया, क्या हो गया, आए मेरे काक का, चलो चलते हैं गाइस। गाड़ी चलती है ना गाइस, थोड़ा घबरा जाता है, बदतमीज जानने वाला इंसान। सो गाइस अब लेट हो गए हैं ऑलरेडी, फटाफट चले, तो मैं आपसे मिलता हूँ या तो वेट के पास होने के बाद बाहर आके, या फिर वेट के बाद, देखते हैं जैसे भी होगा देखते हैं। चलो फटाफट, लेट हो गया हूँ गाइस मैं, निकलो 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 फटाफट निकलो। सो गाइस कल जब मैं बनी को लाया था ना, तो इसके पीछे वाले लेग में ना शॉट लगा था इंजेक्शन, तो ये बहुत ज़्यादा चिल्लाया था, इसको आज डर लग रहा है गाइस, देखो डरा पड़ा है ये थोड़ा। बोलू क्या हुआ बाबू, उसको डर लग रहा है, बहुत चीखा था ये और बहुत देर तक लंगड़ा के चलता रहा था, ये देखो आज ये डर रहा है। बनू क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आज नहीं लगेगा वाला इंजेक्शन, क्यों बीमार होते हो तुम हैं, अरे ब्रॉडी पर तू बतनी जानवर वाला इंसान। भाई बनी को अभी सुई लगेगी, डरा हुआ बहुत, क्या हुआ बनू, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों डर रहा है इतना, है कुछ नहीं हुआ, कहाँ पर आए गाइस। ये देखो कौन मिला है, क्या नाम है इसका, परी। और ये हमारा एक सब्सक्राइबर मिला है हमें, क्या नाम है तेरा, कृष्णा, कृष्णा। और ये परी और कृष्णा हमारे साथ घर पे जा रहे हैं, ये कह रहा है आपकी फैमिली से मिलना है, मैंने कहा चल आजा फिर मिलाता हूँ। सो गाइस आज जो बनी का हाल हुआ ना, ऐसे कांप रहा था, ऐसे कांप रहा था, ऐसे कांप रहा था बेचारा, लास्ट वाली जो सेशन था उसमें इसको ऐसा इंजेक्शन लगा था, इतनी ज़्यादा पेन हुई थी, तो आज इसको लग रहा था फिर से पेन होगी, बहुत कांप रहा था, तरस आ रहा था बेचारे पे। बनू हैं ले आते, कहाँ ले आते, तरस आया तो गाड़ी में नहीं, लेकिन वो भी इलाज तो कराना ज़रूरी है ना, उसके बिना कैसे चलेगा। इसको टिक फीवर हुआ था, ठीक है, एक भैया ने क्या बोला था,
ये था कि एक डॉग शॉप पे गया था, भैया ने मेरे को बोला था कि ये ना ये डॉग मत ले भाई, अगर तूने एक दिन मतलब रोजा ही खाना खिलाने के बाद एक दिन तूने खाना लिया तो ये तेरे को खा जाएंगे। कौन सा? ऐसा ही डॉग, मतलब नहीं, नहीं, सब डॉग सेम होते हैं, दिमाग सबके सेम होते हैं, बस ब्रीड ब्रीड का फर्क है। चाहे आप स्ट्रीट डॉग भी पालो, पापा ने मुझे डरा दिया, प्यार सारे एक बराबर करते हैं, होते सब एक बराबर। जन्म शेफर्ड की फोटो भेज दी थी, बोला ये देख लड़की को काट गया, प्यार कर रही लड़की, और पापा को बहुत गंदी मस्ती है ना, मैं इनको किस करता हूँ, अपने पास रखता हूँ इसको, पर एक ही तो है बच्चा, बच्चा बच्चा कहते हो तुम, कुछ होता है बच्चों की तरह ही रखना पड़ता है। तो मैंने भी तो पापा कहते तू कुत्ता का कुत्ता ही बन, मैं बोला कुत्ता का कुत्ता बनो जब भी आज भी बनो। हाँ सही बात है, पापा को मतलब बिल्कुल नफरत है, मैं तो वैसे भी करके इंसान के, अभी गाइस मैंने बैठ के वहाँ पे एक लाइन पढ़ी बहुत अच्छी कि इंसान का दिल अगर परखना है ना तो इस चीज से परख सकते हैं कि वो डॉग को कैसे प्यार करता है। अगर आप डॉग से बहुत अच्छे से प्यार करते हो तो आपका दिल जो है ना पता चल जाता है वो इंसान कैसा है, क्योंकि हर कोई डॉग को प्यार नहीं दे पाता। कोई कुछ लोग होते हैं जो डॉग को आते जाते मारते रहते हैं, पत्थर मार दिया, ये मार दिया, वो मार दिया। भैया मैं डराता हूं, अगर आपको मेरे ऊपर रो रहा है मैं डराता हूं। डराना भी जरूरी, जैसे हम अपने बच्चों को डरा के रखते हैं ना। नहीं नहीं, मैं थोड़ा बहुत डरा के रखना चाहिए तो डरा देता हूँ कि हट जा भाई। हाँ मारना नहीं है लेकिन, मारना हाँ, डांटो डराओ वो कोई दिक्कत नहीं, वो डराना जरूरी है तभी तो वो डिसिप्लिन में रहते हैं। बढ़िया जा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुनीत इधर आओ, गुनीत देखो कौन आया है, न्यू पपी आया है। हेलो कर रहा है, हेलो। ओए 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 ओए, क्या नाम है इसका? नाम है परी, परी नाम है परी। और ये हमें हमारी वीडियोस देखी थी, इसने क्या था मिलना है आपसे, सबसे मिलना है। सॉफ्ट है, सॉफ्ट है ना, ब्रॉडी के साथ खेल रही है फुल। ब्रॉडी अरे ब्रॉडी वो कह रही है मेरे रूम में क्या करने गई है तू, बनी आ जा। ओए ओए परी लग जाएगी इसको। ब्रॉडी ब्रॉडी दोनों वॉक पे जाने के लिए वेट कर रहे हैं। ये रहा बनी, बनी वीक हो गया, ये बहुत वीक हो गया। हाँ एक तो इसको ये डॉक्टर दवाई लगाता है ना, हाथ थोड़े वैसे हो जाते हैं चिपचिपे, हाँ, चिपचिपे बेचारा बहुत कमजोर हुआ पड़ा। चले बनी वॉक पे चले गाइस, आज पता ही ऐसे वाइब्रेशन पे लगा हुआ था, बड़ा कांप रहा था ये बदतमीज। जा पाएगा डॉग शो पे कि नहीं? जाएगा। गुनीत आप कह रहे थे ना करके दिखाऊं दोबारा, दोबारा करके दिखाऊं दोबारा, एक हाथ से क्या मैं जादू करूं? एक हाथ से नहीं गाइस, जिन्होंने नहीं देखा एक बार दोबारा दिखाता हूं मैं आपको। एक छल्ली के एक बार में तीन टुकड़े करूंगा, वैसे ये छल्ली बड़ी मोटी और छोटी है लेकिन मैं ट्राई करता हूं। 1 2 3 ये छल्ली थोड़ी सी मोटी है और पहले डिफेंस कर लिया ना। मैं आपके पास अगर छल्ली है पहले उसको खा लो ठीक है, और ऐसे पकड़ो और एक को इधर को खींचो और एक को पीछे को खींचो और बीच वाला हिस्सा देखना नीचे गिर जाएगा, तो एक झटके में तीन टुकड़े हो जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा तो ये देखो ये रहा व्लॉग, जाके इसमें मैंने किया हुआ, ये आई बटन में है, पता नहीं कहाँ है, आई बटन में यहाँ पे है, जाके देख लो ठीक है। अब मैं अपना पी लेता हूँ, कहाँ रखा है बताओ? जूस जो दोनों खा रहे हैं, पापा दोनों की नजर और गुनीत, देखते हैं पापा और गुनीत में से कौन फिनिश करेगा जूस पहले। ये चैलेंज है, चैलेंज है, चैलेंज है। मैंने छल्ली खाई है, मैंने छल्ली खाई है तो मैं नहीं पीने वाली हूँ। छल्ली तो पापा ने भी खाई है, आप भी पापा ने खाई है। 1 2 अब तो सारे देख रहे हैं। 1 2 3 एंड स्टार्ट। ये फिनिश नहीं हुआ गुनीत, फिनिश करो। ओए 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 पापा विन कर रहे हैं। ये गुनीत विन कर गई। हाई फाइव दे दे, मैं तो चपेट मार रहा हूं। मैं हमेशा जीत जाती हूं, दूध जो मैं पीती थी तो वैसे ही करते हैं सब। ये क्या था? अब कहां जा रहे हो आप? मैं नीचे खेलने जा रही हूं, 2 घंटे बाद आऊंगी।
क्या खेलने जा रहे हो? नीचे खेलने जा रही हूँ बस। क्या खेलने? मुझे नहीं पता, वो उनकी मर्जी होती है क्या खेलने के। तो आप जाओ खेलने। और गाइस मैं ना भी गया था अपनी गाड़ी चेक करवाने कंपनी में गया था गाड़ी चेक करवाने, पहले मुंह साफ कर लूं। गाड़ी चेक करवाने गया था, गाड़ी के पूरा मैंने मतलब गाड़ी को पूरी जो भी इसकी पेंट वगैरह है ये है वो है सब करवा रहा हूँ, और उसके बम्पर वम्पर सब चेंज करवा रहा हूँ, न्यू लगवा रहा हूँ कंपनी से। तो वो सब चीज़ें मैं करवाने गया था चेक करवाने के लिए। तो उन्होंने जो बजट बनाया ना वो बनाया गाइस 60,000 का। यस 60,000 रुपीज लगे पेंट का ना, 1,000 का होना चाहिए ना 60,000। वो वाला पेंट नहीं होता, स्प्रे पेंट का 60,000 होना चाहिए। कोई ज्यादा थोड़ी कम किया गुरीत ने, सिर्फ 59,000 कम किए हैं, इतना तो होना चाहिए है ना। कहाँ इतने पैसे ले रहे हो 60,000, ये कह रही 1,000 होने चाहिए है ना गुरीत। 1,000 होता है 1,000। हाँ 1,000 बोलते हैं, 1,000 को 2,000 बोलते हैं। ओके इसी बात पे एक पारी बनती है पापा की, दे दो ना यार, दे दो ना। चल बनी चले वॉक पे आजा, चलो आ जाओ 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 दोनों। पापा मैं जा रही हूँ। ये देखो ब्रॉडी की चाल देखो पीछे से, पों 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 पों, ये ढूंगे मारता चल रहा है। कैसे चलता है ब्रॉडी, कैसे चलता है ब्रॉडी दिखाएगा। ये देखो ये देखो ये देखो टेल देखो इसकी, जरा इनकी टेल पे झाड़ू लगाओ तो कितने करते कितना सही हो ना, पूरा साफ करते 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 नीचे ऐसे बैठे पूरा घर साफ होता रहे हमारा। हाय बच्चों, क्या खेल रहे हो? मेरी पैंट फट गई। पैंट नहीं फटी बेटा, गिरी आज, मैं भी खेल के आई हूँ। हम नीचे गिर के आए हैं। गिर के आए हो, वाओ क्या कारनामा किया है, एक बार और गिर के दिखाओ। ये रखो ये भी कारनामा है। ब्रॉडू थोड़ी सी पावर अपने इसको दे दे छोटे भाई को, हैं इतना प्यारा क्यों लग रहा है आजकल ब्रॉडी, इतना प्यारा क्यों लग रहा है। ये क्या गोली मोली हो जा रहे हैं दोनों। देखो गाइस ब्रॉडी कितना हमारा टच वुड नजर ना लगे, स्मार्टी हो रहा है, फिर से हेल्दी हो गया थोड़ा ब्रॉडी, थैंक गॉड टच वुड। हां और ये पतला हो गया है, ये तो बहुत ही पतला हो गया यार, मुंह पे आ जा रहा है, हट जा। तो गाइस चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अब मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, वैसे मैं रेस्ट ही कर रहा हूँ जब से ऑफिस से, आज आजकल मैं ऑफिस जाने लग गया हूँ, तो धीरे धीरे कोरोना जा रहा है तो हो सकता है मेरा काम आ रहा है, तो उसी की तैयारी चल रही है मेरी। डांस कॉस्ट्यूम जो है, ज्वेलरी लाइट्स लगती हैं उस पर, ये सब वो सब उन सब का रिपेयर चल रहा है अभी। धीरे धीरे अपने बॉयज को अपने डांसर्स को बुलाऊंगा मैं, तो देखते हैं क्या होता है, अभी तक तो कोई काम वाम स्टार्ट हुआ नहीं है। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहो, बाय बाय बाय।